में रामायण से जुड़े कई स्थल देखने की चाहत पैदा होती है। आज हम अपने दर्शकों को बिहार प्रदेश के उस वाल्मीकि नगर लेकर चलेंगे जहां हमारे रिपोर्टर ने जमीनी हकीकत जानी। हमारी टीम शैलेंद्र गुप्ता और उनके सहयोगी कैमरामैन प्रदीप यादव ने बिहार सरकार की हकीकत आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वाल्मीकि नगर एक ऐतिहासिक स्थान है जहां भगवान रामचंद्र के दोनों बच्चों का जन्म से लेकर वाल्मीकि जी की तपस्या और अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया था। विधानसभा की चौपाल के तहत हम ये मुद्दा लिए पहुंचे, जब इस जगह जनता ना तो लालू से खुश नजर आई ना ही नीतीश से। अगर इनकी बात मानी जाए तो ये अपने थारू जाति के नेता चंद्रकेश्वर पावे को देखना चाहती है। आखिर और क्या क्या कहा यहाँ के लोगों ने, आप खुद देखिए। जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, जो वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है, ये अपने पहचान में बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। ये एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों लड़के लवकुश की शिक्षा दीक्षा हुआ, अश्वमेघ जो हुआ था उसमें जो है घोड़े को यहीं बंधक बनाया गया था। यहीं यानी कि कह सकते एक तीर्थ स्थली है और वाल्मीकि ने यहाँ पे तपस्या की थी और ये तपोभूमि है। इस क्षेत्र का विकास बिहार में कहाँ तक हुआ, आज चुनाव चल रहा है, आज विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार की जनता, इस क्षेत्र की जनता पूरा परिवर्तन चाहती है। इस पे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, कि बिहार की स्थिति क्या है और इसके बारे में क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरह का विकास आप चाहते हैं। इस फर्स्ट प्राथमिकता यहाँ का है हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का, कि सिंचाई हमारा फर्स्ट प्राथमिकता है। सिंचाई के बिना हमारा 50% जमीन वैसे ही रह गया है, खेती नहीं हुआ है। और जो भी यहाँ सड़क पुल पुलिया भी बना है वो भी सब एक तरफ से बन रहा है और एक तरफ से टूट रहा है। अच्छा, अभी पिछले 5-10 सालों से कोई कुछ परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ कि आपका सिंचाई का कार्य हो सके, आपका जो भूम ऐसे पड़ा हुआ है उसका जो है कोई निवाकरण निकाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है कोई सरकार से। अभी इस चुनाव से आप क्या उम्मीद करते हैं? चुनाव से उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार बनी तो कहीं फिर ऐसे काम इसका चल सके, हो सके। ये बता रहे हैं कि आज पूरा स्थिति है कि सिंचाई का, ठीक है, क्योंकि 50% भूमि सिंचाई नहीं हो पा रही है, जो कि किसानों का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है जिससे जीविका चलती है, किसानों की जीविका चलती है, फिर भी इन लोगों की व्यवस्था नहीं, सिंचाई नहीं हो पाती है खेत की, तो फसल कहाँ से आएगा। आइए बता दें कि यह जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, यहाँ थारू और उरांव दो ऐसे जनजातियाँ हैं जो बाहुलता में पाई जाती है और यह दोनों नहर के स्पेशली नॉर्थ साइड में मिलती है और जंगल भी इसका एक खास मुद्दा है जो पहले से भी अभी तक बरकरार है। जहाँ जनजातियों का जीवन जंगल से जुड़ा था उससे भी बेदखल कर दिया गया है और यहाँ हम लोगों के उत्थान के लिए उसके जो सब्स्टिट्यूट में जहाँ एजुकेशन का स्पेशल एक व्यवस्था होना चाहिए और भी रोजगार देने की जो कदम उठाना चाहिए, यह अभी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि यहाँ बिल्कुल इन्होंने कहा कि एक शिक्षा के क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र में भी जो अपेक्षित हमको मिलना चाहिए, चाहे ट्यूबवेल हो या जो भी व्यवस्था है, वो नहीं हो पाई है। और यहाँ जंगल करीब है तो इस करीब में भी अगर पर्यटन स्थल को भी दे दिया जाता तो शायद हम लोगों को ज़्यादा लाभ मिलता और इसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाता। तो जो भी चुनाव वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, अभी हमको अभी तक हम लोग ठगे गए हैं। हम लोगों ने केवल वोटिंग किया है, वोट बैंक के रूप में कहीं कि हम लोग यूज हम लोगों को किया गया है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो हर्टली हमारा कोई निदान निकाले या हमारे अंदर आकर के हमारे बारे में जाने। इसलिए हम लोग चाहेंगे, अभी भी देखिए एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने कई मैंने राष्ट्रीय पार्टियों से भी संबंध बनाया कि कुछ जनजातियों के उठान के लिए जनजातियों में से ही कोई प्रतिनिधि को चुना जाए या प्रत्याशी दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि कोई ऐसा देता भी है टिकट हमारे जनजातीय व्यक्ति को, प्रत्याशी बनाता है, तो हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो अपेक्षा करते हैं कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि हो। कौन नहीं चाहेगा इस लोकतंत्र में, ताकि हमारी समस्याओं को वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में रख सके। तो तमाम सारी समस्याएं जो अभी भी पार्टली रूप से नीतीश सरकार में हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे जीरो है, नहीं हुआ है, एक आशा की किरण इन्होंने जगाई है, लेकिन मेरे जनजातियों के भीतर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा इनका कहना ये है कि अभी ये एक ऐतिहासिक स्थान है और पर्यटन का सबसे बड़ा
मुद्दा अगर पर्यटन में विकास किया जाए, पर्यटन विभाग अगर इस पे किसी तरह की व्यवस्था करती है तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिल जाए, कुछ काम करने का मिल जाए, उनकी रोजी रोटी चल सकती है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि ये प्रतिनिधि का अभी ये बता रहे हैं कि ठगे गए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि पिछला जो भी चुनाव हुआ है यहाँ पे विकास का काम कोई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता जो है पूर्ण रूप से परेशान है और अपने परेशानियों को व्यक्त कर रही है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो। यहाँ ये जनजातीय एरिया थारू एरिया है और थारू होने के नाते यहाँ पे विकास का जो भी मौका आता है लेट हो जाता है, मिल नहीं पाता है, इससे यहाँ की जनता